चलो लड़के अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन नंबर 17 पर है। क्वेश्चन नंबर 17 पर एक दिया हुआ इस टाइप का कि आपको ये त्रिभुज बना दिया है, यहाँ से ये लाइन दे दिया है, ए बी और सी, ये वाला एंगल आपका है 120 डिग्री का, ये वाला एंगल है आपका 70 डिग्री का। तो पूछ रहा है ए से डी, मतलब आपको ज्ञात करना है लड़के, ज्ञात करना है, ध्यान देना, ज्ञात करना है बी ए सी, बी ए सी ज्ञात करना है। दिया है आपको क्या, ध्यान दीजिएगा, तो दिया है आपको ये कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर 70 डिग्री, और एक बहिष्कोण दे दिया है, एक बहिष्कोण दे दिया है ए सी डी बराबर दे दिया है 120 डिग्री। कल वाला तर्क सबको याद होगा, ये त्रिभुज के बाहर का कोण हो गया तो बहिष्कोण हो गया है। तो जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कि चूंकि जो बहिष्कोण होता है एक्सटर्नल एंगल होता है, तो बहिष्कोण अपने अपने अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अतः इसका मतलब इसके लिए अंतःकोण बताए थे ना, इसके जो सटा रहता है इसको छोड़ देते हैं, बाकी दोनों बगल वाला उठा लेते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा बी ए सी, और ये हो जाएगा ए बी सी इजिकल टू हो जाएगा 120 ना, 120। ये तुम्हारा 70 डिग्री, और सॉरी ये तो पूछ ही रहा है बी ए सी प्लस 70 डिग्री इजिकल टू 120, तो बी ए सी इजिकल टू हो जाएगा 120 माइनस 70 डिग्री, तो बी ए सी इजिकल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री होगा। यही आपका आंसर है, कर लीजिए फट से। इस वाले सवाल पर देखो, ये पूछ रहा है x का मान बताइए, समझ में आ रहा है ना, तो इसको लगाना होगा, तो केवल इसमें ब्रांच बना दिया उसका। तो आप जब लगाने जाओगे तो तुम्हें ये पॉइंट याद होना चाहिए कि एक रेखा होता है और ये वाला बिंदु, इसका मतलब यह होता है कि आप लिखेंगे कि एक बिंदु के लड़के, एक बिंदु के चारों तरफ, एक बिंदु के चारों तरफ, ध्यान दीजिएगा, चारों तरफ बना कोण, बना कोण कितना होता है बाबू, 360 डिग्री होता है। कितना का होता है, इसका मतलब कि सबको जोड़ दोगे तो टोटल हो जाएगा 360। अतः इसको या तो तुम ऐसे लिख लो, अच्छे से लिखना चाहते हो तो कि ए या ओ लिख देना, ए ओ बे, कितना हो जाएगा ए ओ बे, ये हो गया। यहाँ आ जाओ बी ओ सी, बी ओ सी, और ये हो गया तो सी ओ डी, सी ओ डी, फिर यहाँ आ जाओगे तो ए ओ डी व डी ओ बराबर हो जाएगा कितना, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, अब बस मान रख दीजिए यहाँ पर ए ओ बी 50 डिग्री, बी ओ सी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, मिला लो भैया, सही लिखा ना, एक्स बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, तो 90 180 हो जाएगा, और 18 5 23 होता है ना, तो 230 प्लस एक्स डिग्री बराबर 360 डिग्री, एक्स डिग्री इजिकल टू हो जाएगा 360 माइनस 230 डिग्री, एक्स डिग्री इजिकल टू कितना बाबू, 130 डिग्री हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, मिला लेना उसमें,